आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का प्रदेश में खास महत्व है। आज महिलाएं विशेष पूजा अर्चना करती हैं, बाजारों में खरीदारी के लिए बहुत लोग जाते हैं और साथ ही आज अबूझ मुहूर्त होता है। किस तरह से प्रदेश के लोग, किस तरह से शहर के लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता प्राची सैनी को और जानते हैं उनसे किस तरह से प्रदेश में अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का दिन है आज, बहुत बड़ा दिन माना जाता है। प्रदेश में आज अबूझ मुहूर्त होता है, बहुत सारे शुभ काम किए जाते हैं, व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि आज के दिन खरीदारी का भी बहुत खास महत्व माना जाता है। महिलाएं व्यावसायिक अनुष्ठान आज किए जाते हैं, महिलाएं जाके तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करती हैं, विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है, विशेष तैयारियां की जाती हैं। आज का दिन कई मायनों में विशेष और ख़ासतौर से प्रदेश के लिए जहाँ पर अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। और आइए चलते हैं सीधे हमारी संवाददाता प्राची सैनी के पास। प्राची, आज अक्षय तृतीया है, किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं आपको? जी, आज हम मौजूद हैं जौहरी बाजार में और आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज आखा तीज के पावन पर्व पर जो बाजार है उसमें महिलाओं और बच्चों का तांता लगा हुआ है। साथ ही मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो यहाँ पर भीड़ है दोपहर के समय में भी इतनी ज्यादा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके जो आज कपड़ों की खरीदारी की अगर मैं बात करूं या फिर सोने चांदी की खरीदारी की मैं बात करूं या फिर जो भी शुभ चीजें खरीदने की मैं बात करूं तो आज यहां पर लगातार जो लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं यहां पर मौजूद कुछ लोगों से कि किस तरीके से आज जो आखा तीज है उसको मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां आज की जाती है। जी बताए तो चलिए कोई बात नहीं, हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो मौजूद व्यापारी है उनसे कि किस तरीके से जो आखा तीज है उसकी जो विशेष तैयारियां हैं वो की जाती है। और यहाँ पे ये जो कटला है ये लगभग महिलाओं और बच्चों से पूरी तरीके से भरा हुआ है और जो महिलाएं और बच्चे हैं वो विशेष रूप में यहाँ जो खरीदारी कर रहे हैं और खास तौर पर यहाँ पे जो सोने चांदी की अगर हम लोग बात करें या फिर जो ज्वेलरीज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप है। तो चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आज आखा तीज के त्यौहार पे किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनकी यहाँ पे जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, किस तरीके से जो व्यापार है उसको एक बढ़ोतरी मिली है। आज का बाजार अच्छा है और दिनों की वजह से आज मार्केट अच्छा है, आज लोगों का खरीददारी में रुझान भी अच्छा है। आखा तीज में तो गोल्ड वगैरह आइटम ज्यादा बिकता है इसलिए आज लोगों का रुझान खरीददारी में ज्यादा है। बात करूँ तो आज जो महिलाएं और बच्चों की यहाँ पे संख्या है तो उसके बारे में जानना चाहूंगी, और दिनों की अपेक्षा क्या वो बढ़ी है? और दिनों की अपेक्षा भीड़ ज्यादा है मार्केट में। चलिए वहीं हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे और भी महिलाओं से जानने की कि किस तरीके से जो आखा तीज का जो पर्व है उस पर जो नई नई चीजें खरीदने की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। तो जी आप यहाँ आज क्या खरीदने हैं? मैं कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। तो आज आखा तीज है तो आप कुछ नहीं खरीदेंगे? आई थिंक व्हाट। ओके, तो चलिए वही यहाँ पे जो व्यापारी हैं, जो कपड़े के व्यापारी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो कपड़ों का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो लगातार आज जो आखा तीज पे है वो बेहतर से बेहतर हो पा रहा है। जी अंकल, मैं जानना चाहूँगी आज आखा तीज का जो पर्व है उस पर किस तरीके से जो आखा तीज है। जी बताएं। वो नीचे बैठे हुए अंकल। कोई बात नहीं, हम लोगों से बात नहीं करना चाहते और आखा तीज का जो त्यौहार है उस पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे भीड़ दिखाना चाहूंगी कि जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज आखा तीज पे किस तरीके से जो कपड़ों का जो उत्पादन है वो होता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त आज माना जाता है, तो किस तरीके से यहाँ पे जिन लोगों के घर में शादियाँ हैं या फिर जो लोग रेगुलर बेसिस पे कपड़े खरीदते हैं तो किस तरीके का यहाँ पे माहौल देखने को मिलता है? आपके तो वैसे भी धंधा चला नहीं है, आपके कोई पता ही नहीं है आखा तीज के गिराए के जो लॉकडाउन लगा था ना उसके बाद में आपके अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है कि गिराए की बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र गिराए की है। आप कहाँ हैं ये पता नहीं गिराए की, बाकी यहाँ तो माहौल ऐसा है नहीं है अभी इस वक्त, बड़ी चौपड़ पे तो है नहीं ये माहौल। लेकिन आज आखा तीज है तो कुछ ही नहीं गिराए की है ही नहीं, मतलब आते हैं ये हल्की पोशाक ले जाते हैं देख लेते हैं, साड़ियाँ वगैरह भी हल्की, मतलब जो चलना चाहिए था ना वो माहौल नहीं है दीदी आपके।
तो जैसा कि यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो बोल रहे हैं कि आखा तीज पे जिस तरीके से हर बार जो महोत्सव जी प्राची बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो हमें तस्वीर दिखाई आखा तीज पे किस तरह से बाजारों में भीड़ है रौनक है कुछ महिलाएं जो हैं वो खरीदारी कर रही हैं और खास तौर से आज गहने और कपड़े खरीदने पे बहुत जोर दिया जाता है।